बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी एमी भी ब्लॉग में है साथ में, और हमारे हस्बैंड ग्वालियर गए हुए थे तो वो मार्केट से बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। और एमी, जीनू दोनों जनों के लिए और हमारी एक और बेटी है रिदा, उस तीनों के लिए बाथ टब लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसकी ओपनिंग करते हैं। बच्चों को गिफ्ट काफी पसंद आते हैं, और ये देखिए काफी बड़ा है, तीनों बच्चे आराम से इसमें। काफी टाइम से बच्चों के लिए कोई टॉयज नहीं आए थे, और काफी टाइम से जीनू बहुत चैंट रही थी, मम्मा बाथटब बाथटब। तो इन्होंने देखा भी था ग्वालियर में, तो ये बोल रहे थे मुझसे कि अब मैं लेकर आऊँगा बच्चों के लिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों जने। एमी तो इतना नहाती है कि जिसकी कोई हद नहीं, उसे बस पानी दिख जाए और वो बस पानी में चली जाती है और बार बार नहा आती है। वो बहुत खुश थी और इंतज़ार कर रही थी बैठ कर के पापा जल्दी से इसमें हवा भर दें। और ये इस एयर पंप भी ले आए थे साथ में ही, तो दोनों जने बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि पापा जल्दी से इसमें एयर भर दें और हम दोनों जने जल्दी से नहा लें। अभी रिदा है नहीं, वो अपनी नानी के घर गई हैं, तो इसीलिए अभी ये दोनों ही इंजॉय करेंगी। वो भी काफ़ी नहाती है, और ये देखो बस एमी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़ नई आती है। और जीनू तो हमारी पिछले साल भी बहुत कह रही थी बाथ टब की, लेकिन हम नहीं ला पाए थे। और अब तो नहाने के लिए तीन तीन बच्चियां हैं, तो अब तो हमें लाना ही पड़ा क्योंकि अब वो भी नहाती हैं। और जीनू ने तो चलो नहा लिया टब में, प्लास्टिक के टब में, लेकिन इसीलिए हमने थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि जीनू हमारी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी वो नहा लेंगी इसमें, एक दो साल तो नहा ही लेंगी वो। और ये देखिए इनका इंतज़ार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, अब ये दोनों जने आराम से इसमें नहा रही हैं। जीनू के मन की ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनका बाथ टब आ गया है जो वो पिछले साल कह कह के रह गई थी, हम नहीं ला पाए थे। और एमी को देखिए कितना एंजॉय कर रही है एमी पानी में, इन्हें पानी से खेलने में बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों को अच्छा लगता है नहाना, पानी में रहना, और गर्मी इतनी बढ़ रही है तो बस मैं अब। और ये दोनों जने काफ़ी नहा चुकी हैं, तो अब दोनों जने थक गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो अब मैं मीठे चीले बना रही हूँ मलाई के साथ और चाय के साथ। यहाँ मैंने आटा लिया है, ये मैंने एक बॉयल आटा लिया है, और उसमें ही मैंने आधा बॉयल डाल ली है मैं चीनी। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है, लेकिन हम एक बॉयल लेंगे आटे का और आधा लेंगे चीनी का, तो हमारा एकदम परफेक्ट बनता है। और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे पतला सा, इसको ज़्यादा नहीं गाढ़ा रखेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे जिससे कि हमारे चीले बहुत अच्छे से बन जाएं। और बस बैटर तैयार हो जाएगा। बच्चों को भूख लगने लगी थी नहाते नहाते, वो काफ़ी थक गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ मैं अब जल्दी से कुछ बना देती हूँ इनके लिए, क्योंकि टब शाम को आया था और ये लोग ज़िद करने लगी कि अभी नहाएंगे अभी नहाएंगे, तो शाम का भी टाइम हो गया था। तो ये बैटर पूरा तैयार हो गया है, अब बस एक तवे पे मैंने चारों तरफ ऑयल लगा दिया है। ये बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं, हमने सिर्फ एक ही चम्मच तेल को पूरे तवे पे फैला दिया है, और आपको जितना पतला रखना है मोटा रखना है उस हिसाब से इसे फैला लीजिए चारों तरफ। मैं बहुत पतले पतले बनाती हूँ, बच्चों को खाने में आसानी हो जाती है और ज़्यादा नहीं सेकना पड़ते,
बस हल्के से ही इन्हें सेक, पतले बनाएंगे तो हमें इन्हें हल्का सा ही सेकेंगे, और आप मोटा बनाएंगे तो इनमें टाइम लगेगा और ये जल भी जाएंगे, तो इन्हें पतला ही बनाएं। और बस आज मैंने चिले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर ली है। तो आपको मेरी आज का ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में बताइएगा कि बच्चों का बाथ टब कैसा लगा और मेरे मीठे चिले कैसे लगे हैं। बस एक चम्मच ही मैं इसके चारों तरफ और डाल दूंगी जिससे कि ये नीचे से भी अच्छे से सिक जाए, और काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। शाम के साथ चाय में अगर कुछ ना हो घर में तो आप झटपट से बना लें, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर शाम को इसे बना लेती हूँ जब मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं शाम के लिए, और इसी तरीके से मैं बाकी सारे बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। और हमारे चीले बनकर रेडी हैं। आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।